दिल्ली वालों को ही दिखाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जो लखीमपुर में घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। तुरंत वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया, उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है, और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाए और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती, और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर वन परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ तो इसलिए मैं भी हूँ ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें तो मैं भी हूँ ना, एक डेलीगेशन लेके निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कही, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं, और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसिंहार हुआ है तो वो नरसिंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी, और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसिंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते हैं, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता, मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसिंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर, 84 के दंगे। और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यपद है
कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो, और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो। कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है वो, टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक चार मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे, वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक की पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर आज तक समझ नहीं आता है ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश है। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है, उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में या विफल हैं, भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री सीधा सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भाई बहन आप उछल रहे हैं, लेकिन सीधा इसको सिख दंगों से जोड़ दिया गया। बीजेपी की तरफ से लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसको सिख दंगों से जोड़ दिया गया है, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में एक्टिव थी, राहुल गांधी खुद को खोया हुआ पा रहे थे, इसलिए अपनी सक्रियता दर्शाने के लिए राहुल गांधी तरीका अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में नरसंहार अगर हुआ तो एक कांग्रेस के राज में हुआ है, बीजेपी उस वक्त सिख समुदाय के साथ खड़ी थी, यानी एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर हमलावर है तो बीजेपी ने उसकी तुलना सीधा सिख नरसंहार 1984 के दंगों से कर दी। सुनवाते हैं एक बार फिर आपको क्या कुछ कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने। युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है,
मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ तो इसलिए मैं भी हूँ ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें।